ब्रेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर बॉडी। इफ अ पर्सन इज ब्रेन डेड और उसकी बाकी बॉडी फंक्शन कर भी रही है तो भी डॉक्टर सेज दैट पर्सन इज डेड। और इतने इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट के इलनेस को हम इतना इग्नोर करते हैं ये सब कह के कि ये तो वहम है, गो टेक अ ब्रेक, चाय पी लो, डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होता, इट्स ऑल इन योर ब्रेन। यस इट इज इन द ब्रेन बट नॉट समथिंग दैट शुड बी इग्नोर्ड। हाई गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्लॉग ऑन बॉक्स। इन टूडेज वीडियो वी आर गोना डिस्कस अबाउट अ टॉपिक दैट इज लाइक एलिफेंट इन द रूम। हम सब अवेयर हैं इस बारे में बट वी डोंट वॉन्ट टॉक अबाउट दैट। इट्स मेंटल इलनेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी। पीपल हु आर बैटलिंग विद मेंटल इलनेस आर नॉट वीक। रीड द थर्ड वर्ड बैटल and the fifth word illness. There are people who are battling an illness. हमारी सोसाइटी ये हमेशा से चला आ रहा है कि जिस चीज़ को डिस्कस करने में वो कंफर्टेबल नहीं होते उसे गलत प्रूव कर दिया जाता है। जनरली अगर आप मेंटल इलनेस के बारे में बात करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, अरे वो पागल है, सनकी है, अकेला है ना, इसलिए ऐसा होता है। कई बार तो उस इंसान को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं एज इफ उसे पता नहीं क्या बीमारी है। आई नेवर अंडरस्टैंड वाई वी कांट एक्सेप्ट द फैक्ट। पिछले कुछ सालों में बहुत जानी मानी हस्तियां सामने आई, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि दे वर वन सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन एंड एडवोकेटेड फॉर फोकसिंग ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। उसके बाद से कुछ लोगों ने ये कंसिडर करना स्टार्ट किया कि हाँ, फिजिकल इलनेस की तरह मेंटल इलनेस भी कोई चीज़ होती है। फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि वो अकेला है या फिर वो इंट्रोवर्ट है, इस वजह से वो मेंटल इलनेस का शिकार हुआ। पर ऐसा नहीं है, ये सेलिब्रिटीज़ तो 24 घंटे लोगों से घिरे रहते हैं, फिर ये क्यों डिप्रेशन में आए? गाइस, इट्स हाई टाइम लेट्स ब्रेक दैट स्टिग्मा एंड टॉक अबाउट दैट लाउड एंड क्लियर। अगर हम रीजंस की बात करें कि किन रीजंस की वजह से डिप्रेशन हो सकता है, तो ऐसा कोई एक रीज़न नहीं है। वी कांट फिगर आउट व्हाई समवन वेंट इनटू डिप्रेशन। इट कैन बी बिकॉज हम ओवर थिंक करते हैं चीज़ों को लेके, मे बी फ्यूचर को लेके, या फिर पास्ट को रिग्रेट करते रहते हैं, और बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर या फिर रिलेशंस को लेके प्रेशर, जॉब को लेके प्रेशर, स्टडी को लेके प्रेशर, बेसिकली एनी थिंग दैट स्ट्रेस यू आउट फॉर लॉन्गर टाइम कैन लीड टू दिस। सो यू नीड टू कीप योर माइंड कूल एंड काम। लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। First and the most important point is consult a specialist. Just like we do in case of physical health, you must take help from some professionals. But if you think like ki medication ke bina bhi kaam chal sakta hai, then focus on non-medicated ways to heal yourself. But do. Second is concentrating on present moments. जो पास में हो गया यू कैंट चेंज दैट, जस्ट टेक अ लेसन एंड मूव फॉरवर्ड। और फ्यूचर डिपेंड करता है हमारे प्रेजेंट पे, सो लिव इन प्रेजेंट। थर्ड इज मेडिटेशन। इट्स बीन प्रूवन दैट मेडिटेशन हेल्प्स इन हीलिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस। हमारे एंसेस्टर्स सदियों से मेडिटेशन करते आ रहे हैं फॉर मेंटल पीस एंड पेशेंस। फोर्थ इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ना सिर्फ हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है बल्कि हमारे ब्रेन को भी एक्टिव रखता है। एंड अबव ऑल दिस इट हेल्प्स इन रिलीज ऑफ डोपामाइन, जो कि हमें खुश रखता है। बहुत बार डिप्रेशन का रीज़न फिजिकल इलनेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज राइट अ जर्नल। कई बार ऐसा होता है कि हमें खुद भी नहीं पता कि वॉट वी आर गोइंग थ्रू। So the best way to know this is writing a journal. Acknowledge your feelings and deal with it. Sixth point is keep your mind busy. The best way to stay happy is keeping your mind busy. Try new stuff, polish your skills, hobbies. Basically stay busy, do whatever you like. Divert your mind from all the negative thoughts and channelize it towards constructive things. Seventh is we have our family and friends, count on them, deal with them, don't deal anything alone. आप उनसे बात करो, share करो अपने thoughts. I promise you, आपको बहुत अच्छा लगेगा. At the end, हमें हमसे बेहतर कोई नहीं जानता. We know how we can deal with stuff. Just we have to think about that.
एंड वो चाहे आप पेंटिंग करना हो या घूमने जाना हो, डू वट एवर इट टेक्स टू मेक यू फील बेटर. एंड रिमेंबर, वॉट्स ब्रोकन कैन बी मेंडेड, वॉट हर्ट्स कैन बी हील्ड. नो मैटर हाउ डार्क इट गोज, द सन इज गोइंग टू राइज अगेन. सो गाइज, दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो टू अवेयर पीपल अबाउट मेंटल इलनेस. आपको क्या लगता है हम किस तरीके से जो मेंटल इलनेस से गुजर रहे हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं? प्लीज़ लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन. सो विल सी यू ऑन वेंसडे विद आवर न्यू वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे पॉजिटिव.